नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आगाज किया था। योजना का मकसद देश में महिलाओं और पुरुषों के लिंगानुपात में अंतर को कम करना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से प्रेरित होकर नागौर जिले के कुचामन सिटी में सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति ने अभिनव प्रयोग किया है। समिति ने वर्ष 2018 में समाज की वंचित निम्न और मध्यम वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला किया और इसके लिए एचपी काबरा महाविद्यालय को निःशुल्क शिक्षण संस्थान के रूप में शुरू किया। पहले साल 50 छात्राओं से शुरुआत की गई। निःशुल्क शिक्षण लगातार जारी है और इस साल 615 छात्राएं महाविद्यालय में प्रवेशरत है और नए शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा ने उम्मीद जताई है कि नई सत्र में छात्राओं के प्रवेश के बाद महाविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं की संख्या 700 तक हो जाएगी। अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा ने बताया कि इनमें से ज़्यादातर छात्राएं वे हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति बेहद कमजोर है और उनके अभिभावक उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। संस्था की ओर से दी जा रही निःशुल्क शिक्षा की मुहिम में न सिर्फ शिक्षण शुल्क बल्कि अध्ययन सामग्री, परिवहन व्यवस्था और यूनिफार्म, रोजगारमुखी प्रशिक्षण जैसी सभी तरह की सुविधाएं भी छात्राओं को संस्था की ओर से बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षण कार्य के साथ साथ एचपी काबरा महिला महाविद्यालय में छात्राओं के व्यक्तित्व विकास और रोजगार पर प्रशिक्षण भी से कुचामन विकास समिति की ओर से दिए जा रहे हैं, जिनमें रोजगारमुखी प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, इंग्लिश स्पीकिंग सहित अन्य प्रशिक्षण भी छात्राओं को दिए जाते हैं। आज के दौर में जब निजी शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा के व्यवसायीकरण के आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे में कुचामन सिटी में कुचामन विकास समिति का ये प्रयास यकीनन तारीफ़े काबिल है, जहां ज़रूरतमंद और वंचित वर्ग की छात्राओं को पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। कुचामन से विमल पारिक की विशेष रिपोर्ट। ठीक है, हमारा मुख्य थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस नारे के अंतर्गत हम उन छात्राओं को जो ट्वेल्थ के बाद में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रह सकती है आर्थिक कारणों से या और किसी कारण से, इस तरह की छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन ग्रेजुएशन तक पूरे 3 साल का हम लोगों के इस एचपी काबरा गर्ल्स कॉलेज में उसका प्रावधान रखा है और उसके अंतर्गत उनकी सभी सुविधाएं, चाहे बस स्टैंड से शाकंभरी रोड कॉलेज तक जाना आना हो, उनकी ड्रेस हो, उनके शूज़ मोजे वगैरह हो, उनकी सभी तरह की बुक्स हो, वो सब निःशुल्क दानदाताओं के सहयोग से हम उपलब्ध कराते हैं। साथ ही कुछ उनके व्यक्तित्व विकास की योजनाएं का 1 घंटे का पीरियड हम रखते हैं, जिसमें सिलाई ट्रेनिंग है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग का है, कंप्यूटर का है, डांस का है या फिर गेम्स का है, इस तरह का एक प्रावधान 1 घंटे का वहाँ पर हमने अलग से रखा है। साथ ही उन सभी छात्राओं को जो बीए कर लेती है उनके आगे भविष्य निर्माण के लिए भी सम्मति हर संभव सहयोग करती है। महाविद्यालय में कितनी छात्राएं अध्ययन रहता है और नए एडमिशन के बाद कितनी हो जाएगी जिन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी? इस योजना के अंतर्गत अभी करीब 625 छात्राएं पिछले साल तक थी और अब समझते हैं कि इस साल उनकी संख्या बढ़कर 700 के करीब हो जाएगी और स्थिति राजकीय महाविद्यालय भी खुल रहा है तो वहाँ भी छात्राओं को ये सुविधा मिल जाएगी।